जब क्वेश्चन पढ़ते आ ट्वेंटी फाइव एम एम इंटू फोर्टी एम एम पीस ऑफ गोल्ड फॉइल इज जीरो पॉइंट टू फाइव एम एम थिक द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ नाइनटीन पॉइंट थ्री टू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हाउ मेनी गोल्ड आइटम्स आर इन द सीट ऑटोमिक वेट दे रखा है किसका गोल्ड का तो हमारे पास जो गिवन है हमारे पास जो गिवन है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ हमारे पास जो गिवन है ऑटोमिक वेट दे रखा वन नाइन्टी सेवन ठीक है एटॉमिक वेट हो गया उसके बाद जो डेंसिटी ऑफ गोल्ड दे रखा है डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है 19.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ठीक है हमें सेंटीमीटर में क्यूब में दे रखा है ठीक है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम जो दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है लेंथ ब्रेड और हाइट दे रखा है सब कुछ दे रखा है तो 25 फाइव इंटू फोर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव तो मैं इसको क्या करूँगा ये एम में है तीनों तो मैं इसको क्या करूँगा कन्वर्ट करूँगा मीटर में तो ट्वेंटी फाइव इन टू टेन स्टॉल माइनस फोर्टी माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री ठीक है तो ये जो हमारा है मीटर में है, तो हमारा यहाँ यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू टेंट पावर नाइन ठीक है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा टू फिफ्टी के करीब ठीक है ये हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब तो वन मीटर में कितना होता है सौ सेंटीमीटर होता है ठीक है सौ सेंटीमीटर होता है जब वन मीटर तो वन मीटर क्यूब में कितना होगा सौ क्यूब ठीक है तो टेन टू थ्री कितना हो गया टेन के पावर सिक्स ठीक है तो हमारा इतना हो गया वॉल्यूम तो जो हमारा वॉल्यूम हो गया अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टेन टू फिफ्टी इंटू टेन तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर आ जाएगा अब उसके बाद जो डेंसिटी होता है किसके कौन होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो डेंसिटी ऑफ डेंसिटी किसका निकालें गोल्ड का गोल्ड का किसका मास अपॉन वॉल्यूम गोल्ड का ही चाहिए तो हमें डेंसिटी भी गिवन है डेंसिटी गिवन है और तो, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम भी गिवन है तो हमारा मास ऑफ और निकल जाएगा तो हमारा यहाँ से डेंसिटी कितना है नाइनटीन पॉइंट थ्री टू और मास हमें निकाल का है यहाँ से वॉल्यूम कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है तो हमारे यहाँ से मास ऑफ गोल्ड जो आ जाएगा इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ गोल्ड हो जाएगा मास ऑफ जो गोल्ड हो जाएगा कितना आ जाएगा फोर ए पॉइंट एट थ्री ग्राम ठीक है अब उसके बाद हमारे पास गिवन मास भी हो गया मॉल्यकर मास भी दे रखा है तो हमें यहाँ से क्या करेंगे मास सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ़ मोल्स एंड इजिकल टू गिवन मास मासन मॉल्यकुलर मास किसका निकाल है गोल्ड का तो गोल्ड का मास ऑफ गोल्ड कितना है गिवन मास 4.83 और मोलर मास कितना है 197. अब यहाँ से हमारा क्या मोल्स नहीं निकलेगा निकल जाएगा 4.83 197. ठीक है 197. तो ये यह हमारा यहाँ से मोल्स निकल गया इतना तो वन मोल में कितना होता है एन के बराबर होता है वन मोल एन के बराबर होता है एन की वैल्यू कितना होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू 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 पावर ट्वेंटी थ्री तो यहाँ से हमारा हो जाएगा तो हमारा वैल्यू आएगा फोर पॉइंट एट थ्री वन नाइन्टी सेवन इंटू सिक्स पॉइंट टू 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 पावर ट्वेंटी थ्री तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा वैल्यू आएगा जो वन पॉइंट फोर सेवन टेंडस टू पावर ट्वेंटी टू ठीक है यही हमारा क्या हो गया आइटम्स आ गया ठीक है गोल्ड का ये हमारा आइटम आ गया हम आंसर में ऑप्शन में चेक करते हैं जो हमारा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन हमारा कौन सा है ऑप्शन हमारा कौन सा है डी ठीक है यही हमारा आंसर हो गया इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं